पे खाए के पान बनारस वाला रे लजाय बंद अकल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा है, ले चमाई खा ले भैया। एक कलकत्ता साहब। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहाँ, कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, तुमने तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो आका। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो आर कलकत्ता सा था, कटरी सुपारी। हाँ ठीक है, पनवा खा ले भैया। और का हाल चाल हो, खतवा दात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम से आ रहा, तुहार भाभी तो भैया थोड़ी तबियत हरी कर। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। अमा यार, मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया, शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया, तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। दरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो। सही राजा, आदाब। ए बेनी बाबू, शर्म करो, प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम काहे खिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए, लैला जान के साथ इस दात के कुछ हकदार हम भी हैं। है? जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को, तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी, आप जग में बास, पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खड़ा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं, कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तुम्हें से बैठ जाए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल क्या लड़के का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गया, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान, ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कंवल है, मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। कमबख्त, माफी चाहता हूँ, मैं कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुँह कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज, पी लीजिए। आए हम पे भड़क रही,
है कुर्बान जाऊं कसम दिया है रानी, तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में, तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ, तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेट कर भजन सुनने जाते हो? तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना, मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो, पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? अरे बताता हूँ कहाँ, फूलन देवी की तरह चढ़ी चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा काय को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो। अरे नहीं, बताते हैं काय के हुआ, ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया, आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया तो ये पान नहीं है, हमारा खून है। अच्छा चलो जान, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उनको कोई क्या उल्लू बना सकता। नहीं नहीं, मैं असल में कहा है तुमको, तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम है। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो चलो। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं, रियाज चल रहा है, गुरु छनक रहे कोठे पर। अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ जी। वो चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कंवल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फान पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं। इश्क हो गया है मुझसे? ताज्जुब हो आपको? नहीं, ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है। शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही, आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया करम नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए, हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो, मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है, बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को, और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख ले। सी आई झंझोटिया। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है, हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश? तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तेरे बस की बात नहीं है घसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूं, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम कहा बहिनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए, वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं,
घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी उसको छोड़ के आप यहाँ आते हैं, वो बेचारी तो थाड़े मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज़ है साहिबान। आदाब अर्ज़ है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। आदाब। लला जान आज हमारी वो गजल सुनाई डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट, हट। लैला जान जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बैनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। आदाब। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। ले लैला जान जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं क्यों नहीं, आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बेनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्या लिखा है, हाँ कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले है शेर कहने। जबान से नहीं कलम से लिखा है उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। ए तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं, तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे, मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू, आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं, अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। अरे कोठे को 2 मिनट में खड़ा बनाता है, क्या बोलता है तुम, और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना देंगे। अरे भाई जरा समझाइए इन्हें, गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बूढ़े दो हाथ दूंगा ना तो गजल फाड़ का नाम भूल जाएगा, गंजा कर देंगे। जबान संभाल नहीं तो बच्चों के हाथ में दे दूंगा, हाथ नीचे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा।